मम्मी लगा रही है यहाँ पे ममता को पिठिया। कितने तोड़ दिए हमने, ये सब तोड़ ताड़ के अब ममता कह रही मैं गोरपड़ाओं में सुखाऊंगी। हेलो दोस्तों, प्रणाम, स्वागत है आपका मेरे चैनल रजनी उत्तराखंडी ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब, उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। यहाँ हम सब भी अच्छे, और आज हम आए अपने दूसरे फार्म में। यहाँ पे एक कुटिया बना रखी है ना, दिखाऊंगी अभी आपको, तो वो देखने आई हूँ मुमताज कैसी बना रखी, क्या बना रखी करके। यहाँ पे एक मकान बना रखा है, मतलब टीन सेट टाइप का, वो अनाज वनाज रखने के लिए, तो देखने आई है क्या बना रखा है, कैसा बना रखा है। तो ये भी हमारा खेत है, दो घर छोड़ के ये भी हमारा खेत है। तो बहुत सारे खेत हैं यार, कितने दिखाऊँ आप लोगों को मैं। यहाँ हम आए हैं कुटिया देखने। ये है यहाँ ना, ओ बाप रे कुत्ता, कुत्ता कैसा कर रहा है, बाप रे कुत्ता भी पाल रखा है इनने, बाप रे कुत्ता भी पाल रखा है इनने। तुम ही करते हैं ना, वो जो उधर को गई वो करते हैं। तो आप कौन है इनकी? हम बहन है। अच्छा अच्छा, वहाँ क्या है, वो चूल्हा है जहाँ बच्चे बैठे? तो ममता को मैंने दिखा दिया और सबके सब आ गए यहाँ। इसमें हाथ लगा, नमस्कार बोले गए, हाथ लगा, कांटे भी होते हैं आराम से। ये देख बंद हो गए, ये छुई मुई है, ये बंद हो गई, ये नमस्कार बोल दिया, ये कैसे लगे, ये देखना ये हो गए बंद। अच्छा मैंने भी हाथ लगाया, पूरा बंद हो गया, सब बंद हो गए। अब बच्चे सब यहीं पर चिपक गए, आओ आए आ जाओ, सब बैठ गए वहीं पर। इसु आ जाओ, यूवी दिव्यांश। तो दोस्तों आजकल हमारी दोस्त भी आई है, पड़ोसी दोस्त है कंचन, इसका ससुराल है दिल्ली। तो ये आई है अपने मायके, यानी कि मेरे पड़ोस में इसका मायका है, मतलब मेरे मायके के पड़ोस में इसका मायका है। तो ये आई है अपने मायके, ये इसका बेटा, और बेटी को नहीं लेके आई क्योंकि बेटी की लगाई है इसने डांस क्लासेस वहाँ दिल्ली में, तो उसको नहीं लेके आई है। तो दोस्तों खाना आना हमने खा लिया है, अब करते सोने की तैयारी। और बाहर हो रहा है पता, कभी बादल लग रहा है, कभी बारिश आने का मौसम हो रहा है, कभी धूप लग रही है, मतलब काला बादल लगा हुआ है, बट बारिश नहीं आ रही, डर रही है धरती में आने में, बारिश भी डर रही है। ममता तोड़ी, ममता तोड़ी का है करी पत्ता अपने घर ले जाने के लिए। ये यहाँ पर हमारे गूल है ना, लड़की तोड़ी है ममता की लिप्टिस के पत्ते अपने घर ले जाने के, गूल है तो गूल में बहुत सारे पत्ते हैं, ममता ले जा रही करी पत्ता तोड़ तोड़ के, और उसकी लड़की लिप्टिस के पत्ते ले जा रही है, वो अपने झोली में तड़का मारेगी, ममता झोली में तड़का मारने के लिए करी पत्ता ले जा रही है। दूर गई है करी पत्ते लेने। बच्चे नहा रहे हैं यहाँ पर, तो शाम का बज गया है 5, तो बगल में तेज पत्ते का पेड़ है, तो तेज पत्ता लेने जा रहे हैं ममता आज, करी पत्ता भी बिन बिन के ला रही बेचारी, और तेज पत्ता भी ले जा रही है, तो लेके आते हैं, बिन बिन के ला रही बेचारी। तो करी पत्ता, मतलब करी पत्ता ना बिन बिन के ला रही, गूल से टीप टीप के ला रही है। अभी तेज पत्ता लेने जा रहे हैं पड़ोस में, धूप भी हो रही यार, कभी बादल लग रहा है, कभी धूप और बारिश को ना डर लग रहा है आने में। नीचे कपड़े सभी धोते, ये लगा रखा है इन्होंने बीना, बीना लगा रखा है। ये देखो इनके तेज पत्ते के पेड़, ये गप्पू गप्पू पेड़, बीज हैं, ये बीज हैं देखो, ये तेज पत्ते के, तेज पत्ते का इतना बड़ा पेड़, और यहाँ से शुरू होते तार, तार पार से होते हमारे खेत शुरू, तार पार से होते भंडार जी लोग के खेत शुरू। यहाँ आए हम, हमारा उधर साइड से खेत है, क्या लाई है, दराती, पेपर लगाई है ना मैंने, इनसे पत्ते नहीं छूट रहे, मेरे से बोले दराती मांग के ला, तो मैं जाती हूँ घर ताई से दराती मांग के लाती हूँ। ये ले आई दराती, अब इससे हम काटेंगे तेज पत्ते के पेड़, पेड़ मतलब टहनियाँ काटेंगे। दोनों की हाइट थोड़ा कम है लग रहा है, ये लोग पहुँच नहीं पा रहे। ये इतने सारे तेज पत्ते ले जा रहे हैं, इसमें से पत्ते तोड़ के हम सुखा देंगे, और जिसको तेज पत्ता चाहिए होगा यहाँ फोन कर लेना, ये लोग देते हैं। भिंडी ऐसी हो रही है, सब सूख गए पेड़,
पानी के बगैर ये लगे हैं कटर। तो ये दोस्तों इतने सारे लाए हैं, अब इसके पत्ते हम तोड़ते हैं। और ताई ने दिए है लौकी, ताई के घर में ना लौकी भी लगी है, ये इतनी बड़ी लौकी दी है ताई ने, वो भी मेरी आमा के लिए, क्योंकि ममता आज जा रही है ना अपने मायके, तो मेरी आमा के लिए दे रखी। परसों हमारे लिए भी दी थी, मतलब मम्मी लोगों के लिए एक लौकी, आज मेरी आमा के लिए दे रखी एक लौकी। अब बैठ गई जमघट लगा के। मम्मा कहाँ गए थे? मैं ये लेने गई थी पत्ते। इन लोगों ने दो बार नहा लिया आज, इसने और दिव्यांश ने, ये बाल देखो दिव्यांश के, चप्पल दो, और यूवी ने तीन बार नहा लिया है। तो दोस्तों बैठ चुके हैं हम यहाँ पर पत्ते तोड़ने के लिए, इतने जने लगे हैं यहाँ पर पत्ते तोड़ने के लिए, पर गर्म इतना है ना कुछ भी नहीं। और नवलदा कह रहा है इनको तोड़ ताड़ के ना एक डिब्बे में रख देना हमारे। मेहनत मैं करूँ इन लोगों के लिए, सबके लिए। तो दोस्तों सब तोड़ दिए हैं, तो ममता उन्हें लगी अपने मायके जाने के लिए तैयार, गोरखपुर जाने के लिए तैयार। ममता जा रही है अब अपने मायके, गोरखपुर जा रही है। तो मम्मी लगा रही है यहाँ पे ममता को पिठियाँ, बारी से लगा दो। ईसु को भी लग रहा है टीका पिठिया। ये आ गया प्रकाश दा ममता को लेने। प्रकाश दा आ गया ममता को लेने। मम्मी मजाक उड़ा रही है, कह रही लड़कियों का पहन क्या है लड़कों का। गिरेगा आयुष, गिरेगा। नवलदा मम्मी आ रही, मम्मी अकेले कर लेगी, चाचा को बुलाओ ऊपर से। लगा रखा है धान के पौधे, यहाँ लगा रखी भिंडी, ये धनिया करते हैं यार हम लोग, कटहल बहुत पसंद है हमें। तो फिर बाय। बाय। मांग रहे। तो हम सब लोग देखे मम्मी को निश्वास लग गया ममता का, जारी करके मम्मी को लग गया भूरा, ममता चली गई है। पापा बना रहे जानवरों की सानी, भैंस नहीं खाई गई, गाय भैंस, पापा एक भैंस भी ला रखे नहीं। धान की पौध रखी हुई है यहाँ पर। मम्मी यहाँ पर कुट्टी कट्टे में भर के रख दे रहे, मम्मी कल सुबह डालेंगी ना जानवर को, सुबह डालेंगी। तो इतनी कुट्टी ये मशीन में काटी, ये मोटर वाली मशीन नहीं लगा दी ना, पहले इंजन वाली थी, हम जब बहुत छोटे थे तब लगाई थी इंजन वाली, अब ये लगा दी इंजन वाली, वहाँ पर से उखाड़ के मोटर वाली लगा दी है। अब ये इसमें भरेंगे, सोप से भरेंगे कुट्टी, ये वीडियो में आने के लिए कुट्टी भर रहा है। ये भरता है। बज गया शाम का 7 और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा घूमने। और दिनों ना मैं पापा की मामी के साथ जाती थी घूमने, आज मम्मी आ रही है, तो घर का काम हो गया है। भाभी शायद कल आ जाएगी मायके से, क्योंकि भाभी शुक्र को ही चली गई थी, कल आएंगी एक हफ्ते में, तो शाम को आएगी, कल शाम को आएंगी। हाँ उनके मायके में फिर कल पूजा है ना मंदिर में, तो इसलिए कल आएंगी, सुबह पूजा हो जाएगी शाम को आएंगी शायद। तो मैं मम्मी और यू भी जा रहे, मामी अभी गई हैं दूध लेने गई, तो वो कह रही मैं थोड़ी देर में आऊँगी, मम्मी ने पूछा उनसे कि आ जाओ घूमने, कह रही बाद में आऊँगी। तो बच्चे कैसे खेल ले, अच्छा तिमले का रायता भी बनता है ये, इसके पत्तों में ना पहाड़ी लोग खाना भी खाते हैं, हम पहाड़ी लोग जैसे कोई मतलब जैसे श्राद्ध होता है ना हमारे घरों में, तो इनमें खाना खाते हैं, वो भी चेल बेटियों को इसमें खाना दिया जाता है हमारे वहाँ। जो ये पेड़ है
ये कैसे ला रहा साइकिल? इसमें हमारे वहाँ श्राद्ध जब होते हैं तो चेल बेटियों को इनके पत्तों में खाना दिया जाता है। पेड़ में तो चढ़ नहीं पाऊंगी। ये पत्ते हैं ना? हाँ हाँ, दो। इसके अंदर भी गई होंगी क्या? पर ला खा ले शायद, चाय हल्क जा रहा अभी तेरे। हाँ तोड़ी है, मम्मी बोली इसको खाते हैं, मुझे तो नहीं पता खाते हैं। खाते हैं वैसे, कच्चा भी खाते हैं, मतलब पक गया है, पका हुआ फल से मिलेगा। खोखला है अंदर से, ये चीटियां हो रही है। अच्छा ये भी ऐसी होगा, तभी खुक्कल सा हो रहा है। हाँ मैं ही खोल के देखती हूँ। चीटियों ने सब खाना ना, उसे जाओ अभी खोल के देखती हूँ। ये भी वैसे हो रहा है, सब ऐसे हो रहे हैं जी। मिशन फेल हुआ, यानी कि मैं पेड़ में चढ़ के मैंने मेहनत करी, मैंने तोड़ा भी, बट उसके अंदर सारी चीटियां लगी हुई है। और मेरे को चलते चलते पसीना देखो, ऊपर से आ रही भाभी जी। बढ़िया, परसों कौन मिला था आपको? मामी के साथ प्रणाम। परसों मिले तो थे, दूध लेके आ रहे हो? देखे आ रहे हो? प्रणाम देखे पापा ने नहीं देखे, मुझे क्या दिखा के लाते हैं ये लोग? पापा तो आऊ लोगों ने किसी ने देखा। यूवी उनकी बातें होने लग गई, इन लोगों की बातें होती हैं। फिर जाएंगे हम लोग घूमने, तभी आया है घूमने के लिए। वहां से मामी आ रही है, मामी का डायलॉग सुनना। कह रही कोई आवत है कोई जावत है, डायलॉग सुना रही हूँ मैं। अरे कुछ नहीं कर दे, पांव छू, पैर छू, पैर छू दिए, हम घूम के आ गए। तो शाम हो चुकी है और पहुंच गए हैं हम लोग घर। तो दोस्तों खाना वगैरह हमने खा लिया है और गर्म इतना हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। तो अब हो रही है सोने की तैयारी, 10:45 हो गया है रात का। और ममता चली गई है आज गोरबड़ाव, दूसरे मायके, हमारे दूसरे मायके, तो वहाँ चले गई है। और एक हफ्ता वो भी रह रही है, सब एक एक हफ्ता रह रहे हैं। और भाभी भी, छोटी भाभी भी एक हफ्ता रह रही, बड़ी भाभी थोड़ा पहले जाके आ गई थी मायके अपने, उनकी बुआ की लड़की की शादी में, तो उस समय जाके आ गई थी। उनका नहीं हो पाता ज़्यादा, वो दूर रहते ना, मतलब उनका मायका पिथौरागढ़ है, भाभी रहती यहाँ पर बड़ी वाली, तो वो मायके कम जा पाती, 6 महीने में साल में ऐसे जा पाती। जो दूर होता है वो कम ही जा पाता है, जो नज़दीक होता है वो तो जाते रहेगा ना, नज़दीक वालों का यही फ़ायदा रहता है, थोड़ा जाते रहते हैं, और दूर वाले बहुत कम जा पाते हैं अपने मायके। तो बड़ी भाभी हमारी कम जा पाती है अपने मायके। तो चलिए आज का ब्लॉग इतना ही रखती हूँ, उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आएगा। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना। थैंक यू एंड बाय। Audio Jungle.